नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो डेटा में और जो एक्सेल में आज सिखाने वाला हूँ 90% लोगों को पता नहीं है। सर 10% लोगों को पता होगा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करना लास्ट में, पहले वीडियो तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिया हूँ और कोई भी एक नंबर चूज करूंगा, मतलब कोई भी एक मान चूज करूंगा, उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सारे डेटा यहाँ पे है। तो देखिए 2021 में, 22 में, 23 में, यहाँ पे तीनों को मिलकर आपको करना क्या है, पर टोटल करना है। अभी देखिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, इस फॉर्मूला को मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप डायनामिक यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई भी आप मान चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सम होता रहेंगे। तो इसके लिए आपको सीखना होगा इस एक्सेल का ट्रिक्स। तो चलो सबसे पहले मैं सारे चीजों को डिलीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से डायनामिक यहाँ पे ऐड आप कर पाएंगे, टोटली सम आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आज दो फॉर्मूला सीखेंगे, एक है सम और दूसरा है वी लुक अप। तो वी लुक अप, ये दोनों एक फॉर्मूला आज एक साथ किस तरीके से यूज किया जाता है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो में किस तरीके से यहाँ पे डायनामिक फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करिए, डेटा में जाइए, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाइए, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एनी वैल्यू नंबर मिलेगा और आपको लिस्ट करना है। ये तो सारी चीज आपको पता ही है, आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है, पिछले वीडियो हमने देखे हैं तो इसको आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोर्स के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जितने सारे डेटा है इसको सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ओके करना है। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, आप किसी भी मान को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मान चूज करिए तो यहाँ पे डेटा तो नहीं आएगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो किस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जितने सारे डेटा आपके पास रहेंगे तो वो डेटा को आपको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, एक टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मंथ से हेडिंग से लेकर लास्ट तक सारे डेटा को सिलेक्ट करना। उसके बाद देखिए राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको फॉर्मेट में चेंज करना है, आप जो लिखना चाहते हैं। मैंने मान के चलिए मैंने लिख दिया डेटा, तो मेरा एक डेटा है, इस डेटा को मैं डेटा के हिसाब से कन्वर्ट करूं। सबसे पहले सारे सेल को सिलेक्ट किया, बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए, डेटा लिखने के बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। आप फिर से इसको सिलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे डीए लिखा गया है, इसको आप डेटा भी लिख सकते हैं, डीए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं चलो डीए ही लिख देता हूँ। और डीए लिखने के बाद सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला देना है, यहाँ पे टोटल के सेल में फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। चलो मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद आपको सम लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, उसके बाद आपको लिखना है वी लुक अप। तो वी लुक अप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड वाला सेल को आपको लेना होगा, तो इस साइड में सेल को ले लीजिए जिसका नाम है C2, क्योंकि इस सेल का नाम है C और 2। तो इस सेल को सिलेक्ट करिए, कॉमा लीजिए। अभी वी लुकअप का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आपको पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। तो टेबल तो मैंने आपको डीए करके बना के दिया, तो डीए लिख लीजिए, तो यहाँ पे डीए आ जाएगा, डीए को सिलेक्ट कर लेना। तो डीए मतलब है पूरा का पूरा टेबल, देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी आपको करना क्या है, कॉमा देना है, उसके बाद आप जो जो सेल को सम करना चाहते हैं वो सारे सेल को यहाँ पे ऐड करिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने वी लुकअप में सिखाया था जो सेल को मुझे लेना है उस सेल का नंबर देना चाहिए, यहाँ पे तीनों सेल को एक साथ कैसे लो। चलो मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे आप सेकेंड ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद जो जो सेल आपको लेना है, मान के चले पे 2 नंबर का सेल, 3 नंबर और 4 नंबर का लेना है, आप 2 लिखिए, कॉमा दीजिए, 3 लिखिए और उसके बाद 4 लिखिए। तो सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आपको कॉमा देना है, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। तो फॉल्स के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, आप 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, 2 ब्रैकेट क्लोज करना है, एक वी लुकअप का और दूसरा सम का, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ एक चीज यहाँ पे याद रखना है, आप डायरेक्टली एंटर मत कर दीजिएगा, एंटर आप करेंगे तो फॉर्मूला आपको रन नहीं करेगा, आपको यहाँ पे एरे के फॉर्मूला के हिसाब से आपको शिफ्ट कंट्रोल एंटर करना है। ध्यान रखिएगा क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल एंटर, बस आपका फॉर्मूला रन हो चुके हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे मैं आपको सम करके दिखा देता हूं,
अभी देखिए आप कहेंगे सर आपका साम सही है कि नहीं है, मुझे क्या कैसे पता चलेगा। चलो यहाँ पे मैं करके ही दिखा देता हूँ। चलो मान के चलिए यहाँ पे मुझे जनवरी लेना है, तो जनवरी चूज करिए और ऑटोमेटिक देखिए कितना 2059 है कि नहीं है। यहाँ पे सम करके मैंने 2059 यहाँ पे आपको निकल के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे मे के ऊपर जाइए तो मे मान में कौन सा था 2723। देखिए कितना शानदार तरीके से डायनामिक यहाँ पे सम और वी लुकअप का फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। और बाकी अभी आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कितने लोगों को इस तरीके से फॉर्मूला के बारे में पता था। अगर नहीं थे तो सिर्फ आप नो लिखकर भेजिए, अगर पता था तो इस लिखकर भेजिए, मुझे भी पता चलेगा मुझे कितना अपडेट होना चाहिए। तो चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।